हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन ग्रुप पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आपको बता देंगे, शरीर की संरचना। ये चैप्टर हमने शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि अधिचर्म के विषय में। अधिचर्म क्या होता है? तो अधिचर्म के बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे चर्म के विषय में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? अधिचर्म के विषय में अधिचर्म, और दूसरा जो था वो अब हम पढ़ेंगे चर्म के विषय में। तो ये इसको, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इन दोनों को अध्यावर्णी तंत्र मिलकर बनाते हैं। क्या? कौन सा तंत्र बनाते हैं? अध्यावर्णी तंत्र मिलकर बनाते हैं। अध्यावर्ण तंत्र के अंतर्गत ही अधिचर्म और चर्म टू पार्ट्स आते हैं, दो पार्ट आते हैं। इनमें आज हम डिस्कस करेंगे चर्म पे, ठीक है? तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे कई सारे प्रश्न भी पूछे जाते रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके एक या दो प्रश्न बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, इन दोनों के भी एग्जाम जल्द ही होने की संभावना है, पूरी पूरी ऐसा मुझे जानकारी मिली है, ठीक है? तो उसकी भी आप लोग तैयारी करते रहिए। एनटीपीसी में खासकर और ग्रुप डी में साइंस का पोर्शन बहुत ही अधिक है, उसी साइंस में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग साइंस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस जरूर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, चर्म क्या होता है? ये जो अधिचर्म होता है, अधिचर्म के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था, वो कई स्तरों में पाया जाता है, ठीक है? पांच स्तरों में पाया जाता है, ठीक है? उनमें से हमने उन सब पे डिस्कस किया था उन सबको। तो चर्म जो होता है, अधिचर्म के ये जो ये भाग जो है, ये अधिचर्म है, ठीक है? समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में चर्म, देखिए, अधिचर्म वाला भाग जो है ये पतला है। ये कैसा है? ये पतला है। लेकिन जो चर्म होता है, चर्म ये अधिचर्म से लगभग 2 से 3 गुना मोटा होता है, ठीक है? और जो चर्म होता है ये शरीर को एक आकृति प्रदान करता है, एक आकार प्रदान करता है, ठीक है? इसमें बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है? और ये जो चर्म होता है, इसकी जो उत्पत्ति की बात अगर करें तो हमने आपको बताया था अधिचर्म की उत्पत्ति जो होती है एक्टोडर्म में होती है। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया है एक्टोडर्म में होती है, लेकिन जो चर्म की उत्पत्ति होती है भ्रूण के मेसोडर्म में होती है, मेसोडर्म होती है। और ये जो होता है चर्म, अधिचर्म से लगभग 2 से 3 गुना मोटा होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो चर्म होता है ये तंतुमय संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। किससे? तंतुमय संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है, तंतुमय संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। जो चर्म होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, वो भी तंतुमय, ठीक है? आगे बात करें तो इनमें श्वेत कोलेजन तंतु, ठीक है, और पीले इलास्टिन तंतु और त्वक ग्रंथियां, साथ ही रोम पुटिकाएं और तंत्रिका तंत्र तथा त्वचीय संवेदांग पाए जाते हैं। तो त्वचा में इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं, इनके विषय में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और इधर में जैसा कि मैंने एक टेबल जैसा आपके लिए बना के रखा है, तो इस पर पहले ध्यान करते हैं ये क्या चीज है। तो आपको चर्म पता चल गया होगा, चर्म क्या होता है? अधिचर्म से सबसे ऊपर अधिचर्म होता है, तो चपे उसके अंदर का भाग जो होता है वही चर्म कहलाता है। ये अधिचर्म से काफी मोटा होता है, ठीक है? इसमें त्वचीय जो संवेदांग होते हैं जिनसे हमें एहसास होता है कि गर्मी है तो हमें गर्मी का एहसास हो रहा है, ठंडी लगेगी तो ठंडी का एहसास हमें होता है। अगर किसी गर्म चीज पर हमारा हाथ या त्वचा लग रही है, स्पर्श हो रही है, तो उसका भी हमें एहसास होता है। इन्हें त्वचीय संवेदन कहते हैं। इसकी सारी रोम पुटिका यानी कि बाल भी हमारी बॉडी पर पाए जाते हैं, उन्हें रोम पुटिकाएं कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र होता है, जैसे त्वचा में ही तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इससे घटनाएं घटित होती रहती हैं, उनकी जानकारी हमें दिमाग तक और दिमाग से पूरे बॉडी तक पहुंचती है, ठीक है? तो ये होता है तंत्रिका तंत्र। इसमें बहुत सारी नसें वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये त्वचा जो चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
त्वचा के व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं। अब देखिए त्वचा के व्युत्पन्न के विषय में हमने पहले ही आपको बताया, और फिर से एक बार देख लीजिए, बाल या रोम, ठीक है, बाल या रोम। त्वचा पर जो बाल पाए जाते हैं उन्हीं को रोम कहा जाता है, ठीक है, हेयर, ठीक है, बाल या रोम व्युत्पन्न होते हैं। इनका भी अपना एक अलग कार्य होता है। त्वचीय ग्रंथियां कुछ पाई जाती है, त्वचीय ग्रंथियां कुल 7 प्रकार की होती हैं इसमें त्वचा में, जिनमें से स्वेद या पसीने की ग्रंथियां, सीबेसियस या तेल ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, सिर मिनस ग्रंथियां, मीबोमियन ग्रंथियां, और अस्र या लैक्राइमल ग्रंथ, और लास्ट में होता है अंतिम मूलाधार ग्रंथि। तो इस प्रकार से ये सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनके विषय में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े तो त्वचा के कार्य कौन कौन से होते हैं। देखिए त्वचा के कार्य शरीर की सुरक्षा करना, इसके साथ ही ताप का नियमन यानी कि ताप को नियंत्रित करना, उसके बाद में संवेदनाग्राही का कार्य करता है। तो अगर त्वचा ना होती तो हम जो हैं इस प्रकार से हमारा जो पहली बात तो आकार नहीं होता, दूसरी बात कीड़े काटते मुझे कोई गर्म चीज मेरे लगती रहती, जलता रहता हाथ, तो उसका हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि इसी में त्वचा के द्वारा ही संवेदनाएं हमें मिलती हैं, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बाल या रोम पर, ठीक है। तो बाल या रोम जो है ये जो स्तन प्राणी होते हैं, स्तनी प्राणी जो होते हैं, जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उनकी एक विशेषता पाई जाती है। ये क्या है विशेषता, है कि उन पर उनकी बॉडी पर बाल या रोम जरूर पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़े तो हम आपको एक फिगर बनाकर बता रहे हैं। तो देखिए ये उस दिन हमने फिगर बनाया था और इसमें हमने अधिचर्म बताया था, और यहां से ये है अधिचर्म आपका और ये है चर्म, ठीक है, अधिचर्म और चर्म। जो भाग चर्म में पाया जाता है, चर्म में पाया जाता है, ठीक है, त्वचा के अंदर जो भाग पाया जाता है उसको जड़ कहते हैं, रोम जड़ कहते हैं, ठीक है, बाल की जड़ कहा जाता है। और जो भाग अधिचर्म से ऊपर पाया जाता है उसको हम लोग बाल कहते हैं। और ये जो अंदर होता है, अंदर जो भाग होता है ये जीवित होता है। ये कैसा भाग होता है बाल का, जीवित भाग होता है। और आपको बता दें जो बाल हमें ऊपर दिखाई देते हैं ब्लैक, वो क्या होते हैं, वो मृत बाल होते हैं। वो कैसे होते हैं, ये जो भाग ऊपर अधिचर्म के दिखाई देता है ये क्या होता है, ये मृत भाग होता है बाल का। तो ऊपर मृत बाल पाए जाते हैं, अंदर जीवित बाल होते हैं। इसके साथ ही ये जो इसका यहां पर इस तरीके से नीचे आकृत होती है, ठीक, ये जो बाल की जड़ होती है, बाल की जड़ जो होती है ये रोम पुटिका में स्थित होती है। कहां पे, रोम पुटिका में स्थित होती है, रोम पुटिका में स्थित है। रोम पुटिका जो होता है इसमें एक गड्ढा युक्त छिद्र होता है, छिछला छिद्र होता है, जिसमें रोम पेपिला नामक एक जड़ों का गुच्छा पाया जाता है। रोम पेपिला ये गुच्छादार जड़ों का गुच्छा होता है, ठीक है। ये जो रोम पुटिका है इससे सीबेसियस ग्रंथि और इरेक्टर पिलाई, कौन सी दो ग्रंथियां हैं, एक तो सीबेसियस ग्रंथ, इधर मैंने लिख रखा है सीबेसियस ग्रंथि, और एक इरेक्टर पिलाई नामक पेशियां जुड़ी होती हैं। और ये जो पेशियां होती हैं जब इनमें संकुचन होता है तो बाल खड़े हो जाते हैं। बाल क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, जिसे कभी कभार हम लोग बोल देते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है। जब सीबेसियस ग्रंथि और इरेक्टर पिलाई नामक पेशियां जो होती हैं ये जुड़ी होती हैं रोम पुटिका से, ठीक है, और इनमें जब संकुचन होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है या सिकुड़ती हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो रोंगटे खड़े होने के कारण क्या है कि सीबेसियस ग्रंथि और इरेक्टर पिलाई नामक जो पेशियां हैं, ठीक है, इनका इनमें संकुचन होना, ठीक है, संकुचन के कारण ही क्या होता है बाल खड़े हो जाते हैं। आगे बढ़े, सीबेसियस ग्रंथि जो होती है, सीबेसियस ग्रंथि उसे एक तैलीय पदार्थ स्रावित होता है जो बालों को नरम मुलायम, ठीक है, और जलरोधी बनाए रखता है, ठीक है। तो सीबीसीएस से सीबम नामक पदार्थ स्रावित होता है, ये आपको याद रखना है। ये अभी हम लोग इधर भी पढ़ेंगे त्वचीय ग्रंथियों में भी।
तो बाल जो होते हैं ये हमारे जो टेम्परेचर होता है बॉडी का इसमें भी नियंत्रण करने में भी मदद करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे यहाँ पर ताप के नियमन में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे त्वचीय ग्रंथियों के विषय में, त्वचीय ग्रंथियां कौन कौन सी हैं और इनका क्या क्या कार्य है। देखिए जो बाल होता है इसमें अधिचर्म और चर्म, ठीक है, जो भाग चर्म अधिचर्म से ऊपर दिखाई देता है इसको रोम कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोम कांड कहा जाता है, रोम कांड कहते हैं। तो रोम कांड जो होता है इसको, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। कितने? तीन पार्ट्स होते हैं। पहला मेडुला, रोम कांड के तीन पार्ट्स होते हैं, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो मेडुला और दूसरा कॉर्टेक्स। मेडुला और कॉर्टेक्स और तीसरा जो होता है उपचर्म होता है। तीसरा क्या होता है? उपचर्म होता है। इनमें से जो कॉर्टेक्स होता है, इनमें से जो कॉर्टेक्स होता है इसमें रंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रंगा कोशिकाएं, रंगा कोशिकाएं। अभी आपको हम ये भी बताएंगे कि बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। तो रंगा कोशिकाएं जो होती हैं इनकी चर्चा हमने पहले की भी वीडियो में की थी, जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी वहां पर हमने बताया था रंगा कोशिकाएं जब अधिचर्म में जो पाई जाती हैं, ठीक है, उनकी जब वो जब बनना बंद कर देती हैं तो मनुष्य का जो शरीर का कलर होता है वो गोरा हो जाता है। और जब इनकी अधिकता हो जाती है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति काला हो जाता है। तो उसी प्रकार यहां पर जो है जब रंगा कोशिकाएं अधिक होंगी तो बाल आपके काले रहेंगे। जब तक रंगा कोशिकाओं की मात्रा अधिक है तब तक बाल काले हो जाए, काले रहेंगे। और जैसे ही इनका बनना बंद हुआ, रंगा कोशिकाएं बनना बंद हो गई, बाल क्या हो जाते हैं? सफेद होने लगते हैं। तो इसका कारण यही है कि रंगा कोशिकाओं के कारण ही बाल काले होते हैं और रंगा कोशिकाओं की कमी के कारण बाल सफेद होने लगते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे त्वचा के व्युत्पन्न। त्वचा के व्युत्पन्न में बाल या रोम के विषय में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा जो है त्वचीय ग्रंथियों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। त्वचीय ग्रंथियों के विषय में, त्वचीय ग्रंथियां कौन कौन सी, इनका क्या कार्य, इनसे कौन सा तत्व स्रावित होता है, इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। देखिए त्वचीय ग्रंथियों में सबसे पहला जो है स्वेद या पसीने की ग्रंथियां। स्वेद या पसीने की ग्रंथियों, ग्रंथियां क्या होती है? इनसे पसीना स्रावित होता है। पसीना का कार्य क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं। इनसे शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है और जो उत्सर्जी और जो खराब पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ या हानिकारक विषयुक्त पदार्थ जो शरीर में बनते हैं उनका श्रावण उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। तो इनसे पसीना निकलता है, पसीना निकलता है, ठीक है। और इसके साथ ही विषयुक्त हानिकारक पदार्थ जो हमारे बॉडी में बनते हैं, ठीक है, उनका उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार से इनका जो कार्य है स्वेद या पसीने की ग्रंथियां, स्वेद मींस होता है पसीना, ठीक है। और ये जो स्वेदी ग्रंथियां पाई जाती है त्वचा में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है, चर्म वाले भाग में। अधिचर्म में नहीं पाई जाती, त्वचा में पाई जाती है। और त्वचा में ही, चर्म वाले भाग में ही सेबेसियस या तैलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। और इनसे एक तैलीय पदार्थ स्रावित होता है जिसे सीबम कहा जाता है। अभी हमने इसकी चर्चा ऊपर की थी, सीबम कहा जाता है। और सीबम का कार्य क्या है? सीबम आपके जो बाल हैं, सीबम जो होता है ये बाल को मुलायम तथा चिकना बनाए रखता है, चिकना। इसके साथ ही त्वचा को भी ये मुलायम और चिकना बनाए रखता है। तो त्वचा को मुलायम और चिकना बनाए रखने के लिए सेबेसियस या तैलीय ग्रंथियां होना बहुत आवश्यक होती हैं और ये हर एक व्यक्ति की त्वचा में पाई जाती हैं। और इनसे ही सीबम जो तैलीय पदार्थ जो स्रावित होता है उसी के कारण
हमारी त्वचा और बाल मुलायम और चिकने रहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगली जो ग्रंथियां हैं स्तन ग्रंथियां, इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। अगली ग्रंथियां हैं थर्ड नंबर की स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां जो होती हैं ये पुरुषों में अविकसित होती हैं, पुरुषों में अविकसित कोशिकाएं होती हैं, अविकसित ग्रंथियां होती हैं, और स्त्रियों में ये विकसित होती हैं। ठीक है, स्त्रियों में विकसित होती हैं और प्रसव के पश्चात, ठीक है, इनसे दुग्ध का श्रवण होता है, दुग्ध का श्रावण, ठीक है, होता है। और इनमें ये जो दूध होता है इसमें प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है कैफीन, कैफीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा लैक्टोग्लूबिमिन, ठीक है, लैक्टोग्लूबिमिन और लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टोग्लूबिमिन, ठीक है, ये, और इसके साथ ही इसमें लैक्टोज भी पाया जाता है, लैक्टोज, और इसके साथ ही कुछ मात्रा में वसा की भी मात्रा इसमें पाई जाती है, किसमें, दुग्ध में, ठीक है, कैसीन, लैक्टोग्लूबिमिन, लैक्टो एल्बुमिन, लैक्टोज व वसा की मात्रा भी पाई जाती है दुग्ध में। ठीक है, तो अगली जो कोशिकाएं हैं सेरुमिनस ग्रंथियां, सेरुमिनस ग्रंथियां जो होती हैं फ्रेंड्स ये कहां पर होती हैं, ये होती हैं कर्ण में, कर्ण मींस होता है कान, तो ये कान के अंदर की जो सतह होती है वहां पर ये पाई जाती हैं सेरुमिनस ग्रंथियां, कान की आंतरिक परत जो होती है उसमें ये सेरुमिनस ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इनसे एक मोम की तरह एक पदार्थ स्रावित होता है, मोम की तरह एक पदार्थ स्रावित होता है जो कान की अंदर की जो पटह होती है, सतह होती है, उसको नरम और मुलायम बनाए रखता है। तो सेरुमिनस ग्रंथियां कान में पाई जाती है, और ये जो मोम की तरह जो पदार्थ होता है इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं सेरुमिनस नाम का एक मोम की तरह पदार्थ स्रावित होता है जो कान की आंतरिक परत को मुलायम बनाए रखता है। ठीक है, तो प्रश्न इससे पूछे जाएंगे कि सेरुमिनस ग्रंथियां शरीर में कहां पर पाई जाती हैं, तो कान में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं मीबोमियन ग्रंथियां। तो मीबोमियन ग्रंथियां जो होती हैं, ये जो नेत्र होता है, आंख की जो बरौनियां होती हैं जिन्हें हम लोग बिन्ने कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, इन्हीं में पाई जाती हैं और ये क्या करती हैं मीबोमियन ग्रंथियां, ये जो आंख है, आंख के अंदर एक पदार्थ जैसा, तैलीय पदार्थ जैसा स्रावित होता रहता है इन ग्रंथियों से, जिससे आंख का अंदर का भाग जो होता है गीला बना रहता है, अन्यथा आंख ही सूख सकती हैं। ठीक है, और जब भी किसी की आंखों में मीबोमियन ग्रंथियां खराब हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके आंखों में सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग मतलब आंखें सूख जाती हैं, वो सूखा रोग नहीं, ठीक है, आंखों का पानी सूख जाता है, तो आंखों का पानी जब सूख जाता है आंखें खराब हो जाती है, रोशनी चली जाती है। अगली जो ग्रंथियां अफ्रिया लैक्राइमल ग्रंथि जो होती है, ये आंख की जो बाह्य कोड होता है, आंख का जो बाह्य कोड होता है, ठीक है, वहां पर ये पाई जाती है, और इनसे क्या होता है, इनसे अश्रु का श्रावण होता है, इनसे एक पानी के सदृश जो पदार्थ होता है उसका श्रावण होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अश्रु का श्रावण होता है, और ये जो होता है ये कॉर्निया को मुलायम बनाए रखता है, और जब भी हमारी आंख में कुछ कीड़े मकोड़े या फिर कुछ
छोटे छोटे कण गिरते हैं तो अश्रु का श्रावण होता है और जिससे हमारी आंख सुरक्षित रहती है। ठीक है, हानिकारक पदार्थों को आंख के ये अश्रु के माध्यम से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, जब बच्चा 4 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब उन बच्चों में अश्रु या लैक्रिमल ग्रंथि का विकास हो जाता है और उसके बाद में बच्चा रोने लगता है, रोने के साथ साथ आंसू भी बहाता है। 4 महीने से छोटा बच्चा जब भी आप देखेंगे तो वो रोएगा तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उसकी अश्रु या लैक्रिमल ग्रंथि जो होती है ये होती तो है लेकिन बट उससे जो पानी के सदृश जो पदार्थ होता है वो स्रावित होता है, वो नहीं स्रावित होता है। तो 4 महीने के बाद में जैसे ही 4 महीने होते हैं वैसे ही उसके अश्रु या लैक्रिमल ग्रंथि से वो पानी के सदृश पदार्थ जो होता है वो स्रावित होने लगता है जिससे उसके आंसू भी निकलने लगते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगली जो है ये मूलाधार ग्रंथियां जो होती हैं जननांग और गुदा द्वार के समीप पाई जाती हैं। ठीक है, मूलाधार ग्रंथियां जननांग और गुदा के समीप पाई जाती हैं और इनसे एक गंधयुक्त तरल स्रावित होता है, तरल स्रावित होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको उम्मीद कर दो समझ में आएगा। तो ये ग्रंथियां और इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे त्वचा के कार्य, त्वचा के कौन कौन से कार्य हैं इन पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, त्वचा जो होती है ये शरीर को एक आकार प्रदान करती है, यानी कि अध्यावरण तंत्र जो होता है उसका विकास करती है। अगर त्वचा ना होती तो अध्यावरणीय तंत्र जो है ये नहीं होता। तो मेन बात क्या है कि त्वचा के कारण ही शरीर एक आकार ले पाता है। अब शरीर की सुरक्षा किस प्रकार से करता है? देखिए शरीर की सुरक्षा, शरीर के अंदर बहुत सारे बहुत ही मुलायम अंग पाए जाते हैं, तो त्वचा के कारण वो जो मुलायम अंग होते हैं, मुलायम अंग से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा जो भी धूप निकलती है तो धूप से भी हमें बचाती है, तो त्वचा के ऊपर ही धूप पड़ती है जिससे कि हमारे आंतरिक भाग जो है शरीर के उन तक धूप नहीं पहुंच पाती है और हम सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा जब भी चोट लगती है या कहीं एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले त्वचा पर उसका प्रभाव पड़ता है और त्वचा क्या होती है, त्वचा हमें हमारे आंतरिक हड्डी टूटने से आंतरिक अंग जो हैं जो बहुत ही नरम होते हैं उनसे उन पर घात होने से हमें बचा लेती है। इसके अलावा इस शरीर में ही शरीर के जो भाग होते हैं जैसे नाखून, बाल और भी कई सारे अंग है, ठीक है, उनसे ये क्या करते हैं, ये भी हमें शरीर की सुरक्षा करने में मदद करते हैं, इस प्रकार से शरीर जो है, इस प्रकार से जो त्वचा होती है हमें बाल, नाखून और कुछ जानवरों में पंजे होते हैं, सींग होते हैं कुछ जानवरों में, तो वो उनकी उनको उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, और जो हानिकारक जो अधिक जल कभी कभी हो जाता है, जल वैसे हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच जाए, जब भी हम पानी में या पानी में नहाते हैं तो होता क्या है कि त्वचा के ऊपर से ही पानी केवल नीचे तक चला जाता है, ठीक है, और हम नहा लेते हैं और इससे क्या होता है शरीर में अंदर जल नहीं जाता है। पानी शरीर में तभी जाएगा जब हम पानी अपने मुंह से पियेंगे। अगर त्वचा ना होती तो होता क्या कि पानी हमारे आंतरिक अंगों तक भी पहुंच सकता था जिससे हमारे अंग जो थे वो सड़ने की संभावना बनी रह सकती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से शरीर की सुरक्षा करता है। ताप का नियमन करता है। ताप देखिए अभी हमने बताया था कि पसीना जो होता है त्वचा में स्वेदी ग्रंथियां पाई जाती हैं और स्वेदी ग्रंथियों से ही पसीना स्रावित होता है। ठीक है, इससे क्या होता है जब हमारे शरीर का ताप अधिक हो जाता है, हम जब कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा पसीने के माध्यम से वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से ताप को नियंत्रण करने में भी त्वचा का महत्वपूर्ण कार्य है। अब आपको बता दें मानव शरीर का तापमान फारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट
फारेनहाइट में मनुष्य का सामान्य व्यक्ति का तापमान होता है, और अगर डिग्री में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक सामान्य व्यक्ति का टेम्परेचर होता है। इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं तो संवेदनाग्राही। अब आपको बता दें कि संवेदनाग्राही एक महत्वपूर्ण त्वचा का एक कार्य है, जिससे हमें ताप, दाब, स्पर्श, कोई भी हमें स्पर्श कर रहा है या फिर हमें गर्म और ठंडे का एहसास हो रहा है, तो त्वचा की बदौलत ही हमें हो पा रहा है। त्वचा की बदौलत ही हमारे दिमाग तक ये सब पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से संवेदनाग्राही का महत्वपूर्ण कार्य करती है त्वचा। और विटामिन डी जो होती है, विटामिन डी कहते हैं कि हमें सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी नहीं प्राप्त होती। आपको बता दें त्वचा में ही अर्गोस्ट्रॉल नामक एक तत्व पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी में बदल देता है। कौन सा तत्व? अर्गोस्ट्रॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा मिलेनिन जो होता है, मिलेनिन त्वचा में पाया जाने वाला एक तत्व है। मिलेनिन क्या करता है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को हमारे शरीर से, पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर को बचाता है, ठीक है। और इसके अलावा त्वचा जो होती है, जब भी हमारे घाव या चोट हो जाते हैं, इससे भी त्वचा हमें बचाती है। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से आज का ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी लोगों को अधिक से अधिक शेयर कर देना, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर आदि पर जरूर शेयर करना। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र के विषय में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अध्यावरणीय तंत्र के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो पाचन तंत्र के लिए आप लोग तैयार रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।